आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। विद्युत कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों का किया जा रहा है शोषण। सपा प्रतिनिधि मंडल ने लगाया सरकार पर आरोप, निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। पुलिस मुठभेड़ में दो अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा कानूनगो को, मामले को संज्ञान में लेकर किया कानूनगो को गिरफ्तार। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध कच्ची शराब की गई है जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। राजधानी लखनऊ के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने एक अहम प्रेस वार्ता की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी व जमकर निशाना साधा है और कहा कि बिना सर्वे कराए कोर्ट जाना गलत है और जानबूझ के किया गया, साथ ही कांग्रेस ने की नीतियों का विरोध करती है। यह प्राइम टीवी से खास बातचीत में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये सरकार पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती है, ऐसा महसूस किया है। तो हमने आप लोगों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के माध्यम से इनकी इस नीति का विरोध किया है। कांग्रेस चाहती है कि जो संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को मिला है मंडल कमीशन के आधार पर, उन्हें पूरा मिलना चाहिए। सरकार ने जो मंशा बनाई है वो इनके अधिकारों को, इनके जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करने का। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ, सरकार ने जैसे जो बिना रैपिड सर्वे और बिना आयोग के जो रिजर्वेशन दिया है, सरकार चाहती तो पिछले 5 साल सरकार में आयोग भी बन जाता, रैपिड सर्वे भी हो जाता, और 5 साल में नहीं कर पाए तो 5 दिन में कैसे करके इन्होंने इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया। नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को कल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसी मुद्दे पे ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। कल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया निकाय चुनाव को लेकर, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे? तो देखिए, ये जो फैसला आया है बिल्कुल सही है। उसने कहा है कि बिना पिछड़ों के आरक्षण दिए चुनाव नहीं हो सकते हैं, उनके आरक्षण की व्यवस्था करें, ट्रिपल टेस्ट और आयोग बना करके उनके अधिकारों को सुरक्षित करें, ये हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे हटके है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती तो अपने मध्य प्रदेश की सरकार का हवाला लेकर के पहले से तैयारी कर लेती, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही आया। तो जब मध्य प्रदेश में ये बात आई थी तो इन्हें पहले से ट्रिपल टेस्ट और आयोग का गठन करके ये काम करना चाहिए था। पूरे 6 साल हो गए, 7वीं साल चल रही है, आज तक उनका आयोग नहीं है, आज तक उनका ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये कैसे आरक्षण दिया है? तो इस आरक्षण को इसलिए दिया इन्होंने कि ये दे करके हल्का फुल्का करके इस चुनाव करा लिए जाएं, तो एक व्यक्ति नहीं अनेकों व्यक्ति हाईकोर्ट की जब शरण में गए तो हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सरकार को निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट और आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव नहीं हो सकते हैं, ये काम पूरा करें। अब सरकार इस समय इस काम में लग गई है लोगों को समझाने में कि ये काम हम अगले बार करेंगे, पहले हम चुनाव करा दें दलित और सामान्य वर्ग के आरक्षण को लेकर के, बैकवर्ड का आरक्षण खत्म करके चुनाव करा दें। ये सरकार ने रास्ता खोजा है बाया कोर्ट, और ये अगर ऐसा होता है
तो कांग्रेस पार्टी उन तमाम पिछड़ों के साथ खड़ी है, चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है और तमाम दलों द्वारा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कहें? वो तो खुला है, आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण में छेड़छाड़, जितने भी सरकारी संस्थाएं थी जहां पर आरक्षण था उनको सब प्राइवेट को दे दिया, आरक्षण स्वतः खत्म हो गया, तो छेड़छाड़ तो है ही, संविधान को कमजोर तो कर ही रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके देश और प्रदेश के लोग अब चिंतन में हैं कि इनसे कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे सरकार को खत्म किया। अच्छा, आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तमाम भारत यात्री आ रहे हैं, कौन कौन से विपक्ष के नेता उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, किन को न्योता दे दिया गया है अभी तक? भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के सभी दलों को न्योता दिया गया है और लगभग लगभग बहुत सारे दल हमारे साथ आ रहे हैं। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, और वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी विपक्षी दल इसमें शामिल हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश के 16 जनपदों 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर डिजाइन बिल्ड फाइनेंस का ऑपरेटर एंड ट्रांसफर मॉडल का विकसित किए जाने के विषय में परिवहन निगम मुख्यालय में बैठक आयोजित की है। उन्होंने बस अड्डों के विकास हेतु जमीन उपलब्ध कराने और अन्य जनपदों के बस अड्डों पर पीपीपी मॉडल का को विकसित किए जाने की जानकारी भी दी। खबर आगरा से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब विरोधी दल भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में ताज नगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन ने नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। और सपा में राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बताया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का 2017 का नगर निकाय चुनाव कराने का आधार झूठा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार नगर निकाय चुनाव को टाल रही है। जिला आगरा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम द्वारा जिलाधिकारी आज ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसका संविधान व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इस नगर निकाय चुनावों को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और इसमें जो विवादास्पद आरक्षण लागू किया उसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। हम पूछना चाहते हैं ये गलती किसकी है, आरक्षण की अधिसूचना किसने जारी की? अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की, गलती राज्य सरकार की है। कल उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि निकाय चुनावों के संबंध में राज्य सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी वो अधिसूचना गलत थी, उसको निरस्त किया जाता है। हमें शुरू से यह आशंका थी कि जिस तरह का आचरण उत्तर प्रदेश की सरकार कर रहा है पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पर, उसके चलते उच्च न्यायालय का यही निर्णय आने वाला था। ये बार बार उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख करके ये कहते रहे कि हमने 2017 को आधार मान करके आरक्षण तय किया है। निकायों की सीमा में अभी कुछ गांव जुड़े हैं, उनमें किस वर्ग के कितने लोग थे उसका कोई आकलन नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उच्चतम न्यायालय का जो दिशा निर्देश था ट्रिपल टेस्ट के चलते उसका कहीं इन्होंने पालन नहीं किया। हम कहना यह चाहते हैं कि सरकार ने जानबूझ करके इस चुनाव को लटकाने की कोशिश की है, मुझे लगता यह है। खबर अलीगढ़ से, जहां जिले में बहुत सी गौशालाओं का निर्माण किया गया है जिसमें गौशालाओं की क्षमता से अधिक गायों का रखरखाव किया जाता है। बता दें कि सरकार की ओर से जो फंड गौशालाओं को मिलता है उस फंड से गायों की देखरेख व चारे की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है। शहर में सामाजिक संगठन व प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा दिए जाने वाले गौशालाओं को योगदान की वजह से गौशालाओं में गायों की चारे व अन्य चीज़ों की जरूरती चीज़ों की व्यवस्था की जाती है।
जहां घायल लावारिस जो गौवंश है उसकी सेवा के लिए समर्पित यह संस्था है। इसमें 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और यह कार्यक्रम कलश यात्रा के द्वारा एक शहर के प्रमुख समाजसेवी है, व्यापारी हैं सुभाष लिटिल जी, उनके निवास स्थान से ये कलश यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद यह कलश यात्रा ADA आवास विकास कॉलोनी में होती हुई RKpuram होती हुई आगरा रोड पर, आगरा रोड से फिर वापस गौशाला परिसर में वापस आएगी। उसके उपरांत फिर बरसाना से जो कथा व्यास सुश्री मुरलिका जी हैं उनके द्वारा सभी भक्तों को भक्तमाल कथा में जो प्रमुख चरित्र हैं भक्तों के उन पर कथा सुनाई जाएगी। खबर औरैया से, जहां एरवा कटरा कस्बा में स्थित मां कृपा फार्म के शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद सुब्रत पाठक बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतने की अपील की है। OBC सीटों के फेरबदल को लेकर कहा कि चुनाव आयोग का फैसला सर्वमान्य होगा। सांसद सुब्रत पाठक ने स्थानीय जनता से आगामी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील की और कार्यकर्ताओं को योग्य लाभार्थियों को सरकार सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। खबर अयोध्या से, जहां कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से बाइक सवार दो युवा व्यक्तियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की और अपराधियों ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद बीकापुर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों अपराधियों को किया गिरफ्तार और अपराधियों के पास से दो अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया। खबर बांदा से, जहां ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 13 लाख कीमत के अवैध सूखे गांजे बरामद किए हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये दिनांक 27/12/2022 की रात को एक सूचना मिली जहां पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का मामला संज्ञान में आ रहा था। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत हमने चेकिंग लगाई और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ऊपर एक 13 लाख का 82.35 किलो अवैध गांजा पकड़ा गया, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मौके से 3 चारपहिया वाहन बरामद हुआ। गांजे की बाजारों कीमत जो है वो लगभग 13 लाख आकी जा रही है, बाकी आगे उस पर उसका सैंपल लेकर भेज दिया गया है, आगे उस पर विधिक कार्रवाई की जाए। हाँ, इसमें जो एक पकड़ा गया है जो मेन सप्लायर है संगम साहू नाम से, उसको पिछले साल सेम इसी डेट पर उसके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था जहाँ पर 1.95 टन गांजा इसके पास से बरामद किया गया था और ये जेल में रहा। दो खबर बांदा से, जहाँ 4 माह के वेतन न मिलने से TSS गिडवाही के विद्युत कर्मचारियों ने कार बहिष्कार किया है और कहा कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण उनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों से भी कई बार इसकी जानकारी दी है, लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है। वहीं कर्मचारियों के अनुसार उनका 18 महीने का PF का पैसा भी ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जबकि हर माह वेतन में PF का पैसा काट लिया जाता है। इन समस्याओं का समाधान करने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, पर अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। हम लोग यहाँ पे हम टेक्नीशियन पद पे हैं यहाँ पे, और हम लोगों का वेतन जब से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ से, जिसमें 2 साल इसके पूरे होने जा रहे हैं, ठेकेदार का दो महीने तीन महीने और बचे हैं, 2 साल में इतने वादे किया पेमेंट नहीं दिया, जिसमें हम लोगों का किसी का 5 महीने का किसी का 6 महीने का इस तरह पेमेंट पड़ा है। हम लोग पेमेंट के लिए बात करते हैं, उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, वो भी समझा देते हैं कि भाई आ जाएगा पेमेंट क्या है आ जाएगा, लेकिन ठेकेदार से जब बात करते हैं तो ठेकेदार सिर्फ डेट भर देता है, आश्वासन देता है, पेमेंट नहीं देता। यहाँ ये पीछे आपके TSS बना है, यहाँ से रेलवे को विद्युत सप्लाई होती है, एक तरह का पावर हाउस आप कह सकते हैं। आज आप लोग कार्य बहिष्कार किए हैं, क्या कारण है कार्य बहिष्कार करने का? कार्य बहिष्कार का कारण मेन है, यहाँ पे हम सभी लोग रेलवे द्वारा प्रधान श्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा निजीकरण कराया गया है रेलवे का, उसके द्वारा एक ठेकेदार को यहाँ का ठेका दिया गया, टेंडर मिला है रेलवे द्वारा, और उस टेंडर के अंतर्गत हम सभी लोग पिछले 2 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं,
और नौकरी के दौरान हमें ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा। खबर चंदौली से, जहां पुलिस ने युवती की गला रेतकर हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवती की शादी तय हो गई थी और जब युवती ने प्रेमी से मिलने से इनकार कर दिया तो सनकी प्रेमी ने युवती का गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। ये मृतिका भी प्रयागराज की रहने वाली है, हड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और अभियुक्त भी। अभियुक्त और मृतिका दोनों का पिछले 4 से 5 साल पहले कोचिंग में दोनों की मुलाकात हुई थी, वो प्रेम संबंध में बदल गई, फिर वो संबंध इनके आगे जारी रहे। अभी लड़की की शादी तय हो गई थी और फरवरी में लड़की की शादी होनी थी, तो इत्तेफाक से उस लड़के का भी यहाँ रेलवे में गाड़ी लगा हुआ, बोलेरो चलवाता है, लड़का बीकॉम किया है, तो निरंतर यहाँ वो मिलता जुलता रहा उससे। अब लड़की ने उस दिन मना कर दिया था कि आगे अब ये हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि शादी फरवरी में प्रस्तावित है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और लड़का इतना अग्रेसिव हो गया कि घर के ही सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला काट दिया और गला काट के फरार हो गया था। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में रोटरी फरीदाबाद एसोसिएशन व टीबी मरीजों की डाइट किट वितरित की गई है। मरीजों को चावल, दलहन, अनाज, खाने का तेल, आटा, शक्कर वितरित की गई। संस्था के सदस्यों ने टीबी के मरीजों को रोगों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर शीला भगत ने कहा कि टीबी मरीजों को डाइट किट का वितरण करना एक सराहनीय पहल है। समाजसेवी कुलदीप सिंह साहनी के आश्वासन ने दिया है कि वे आने वाले समय में टीबी के मरीजों को हर संभव मदद करते रहेंगे। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 की तरफ से जो टीबी अवेयरनेस का मिशन चलाया गया है, उसके तहत जो मंथली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे टीबी पेशेंट्स की 35 फूड किट्स दे रहे हैं, और ये मिशन है जो डीजी अशोक कंटूर, आशीष घोष जी और डॉक्टर कुसुम चोपड़ा की लीडरशिप में हो रहा है। और ये रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद NIT और नेक्स्ट के आई होस्ट क्लब है इस प्रोग्राम में। वर्ष 2022 में ये अभियान शुरू किया गया। नए देखिए, आज के प्रोग्राम में तो मेन जो है रवि गुगनानी जी ने ही यहाँ कंट्रीब्यूट किया 1,00,000 रुपया, और उनकी आगे एश्योरेंस है कि जितना उनसे हो सकेगा वो देंगे। जितने भी पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं बीके ने, वो उनको भेजने के लिए रेडी हैं। इस समय 35 लोग हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जो कि मार्च तक 100 होने की पूरी संभावना है। लोग आगे आ रहे हैं। सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल फैल जाती है छूने से भी या कैसे भी। और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हवा के द्वारा ही फैलती है, एयर बॉर्न डिजीज है ये। अगर मरीज सांस ले रहा है हवा में तो उनके अंदर चली जाती है बैक्टीरिया, और करीब 40% जो हेल्दी पेशेंट हैं, हेल्दी लोग हैं, उनके भी अंदर वो बैक्टीरिया है, तो उनका भी हम उस पर भी हम टीपीटी कर रहे हैं, जो कि उन मरीजों को भी हम निकाल रहे हैं, और उनको भी पहले ही जो वो एक साल में बीमारी करेंगे बनाएंगे आगे चलकर, उनको भी हम पहले से दवाई देकर रोक रहे हैं कि आप टीबी की डिजीज में कन्वर्ट ना हो जाए। और इनको टीबी की जो मरीज हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, डाइट अच्छी लें, और मास्क लगा के इधर उधर ना थूकें, और समय पर दवाई खाएं। दवाई छोड़ना ही एक मुसीबत है, जो साधारण टीबी से फिर ये MDR टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम फूड किट डाइट दे रहे हैं उसमें हम 2 किलो चावल, 1 किलो मूंग दाल, 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो चना दाल, फॉर्चून का तेल 1 लीटर, आटा 2 किलो, मूँगफली 0.5 किलो, शक्कर 0.5 किलो। ये जो भी ये डाइट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरी हुई है। जो डॉक्टर्स हैं और जिनसे कंसल्ट करके हमने ये एक बॉक्सेस बनवाया है कि जिस भी पेशेंट को दिया जाए 1 महीने तक उसे कहीं से भी डाइट की कमी ना हो, क्योंकि पेशेंट मेडिसिन छोड़ देता है अगर उसे डाइट प्रॉपर ना मिले, बेचैनी होती है और मेडिसिन ले नहीं पाता, तो इसको ध्यान में रखते हुए डाइट का प्रॉपर बॉक्स बनाया गया है। गाजीपुर के एक निजी विद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू होने से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। मीडिया से बातचीत में कहा कि क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान अर्जित कर बच्चे सामाजिक आर्थिक समृद्धि को मुकाम तक पहुँचाने में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि निकाय चुनाव में OBC कोटे पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। उन्होंने बताया कि 1992 से अब तक भाजपा में पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति बनने का काम किया है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा है, परंपराओं का निर्वाह करना यही भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसी को मैं परंपरा का पालन करने के लिए आया हूँ। नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ है उससे लगता है कितना बदलाव आ पाएगा? नई शिक्षा नीति वो क्षेत्रीय भाषाओं में
लोगों को प्रशिक्षित करना, ज्ञान देना, और अभी तक का अनुभव ये रहा है दुनिया के बहुत जगहों से जो जानकारी प्राप्त है, क्षेत्रीय भाषाओं में जो जानकारियां बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करके आगे सामाजिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि, राजनीतिक समृद्धि को मुकाम तक पहुंचाना नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में आधा सैकड़े से भी अधिक महिलाएं सहित लोगों ने राशन की दुकान पर आवंटन के पक्षपात का आरोप लगाया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि राशन दुकानों का आवंटन करने के लिए गुप्त मतदान कराते हुए दोबारा से आवंटन प्रक्रिया कराए जाने की मांग की। 27/12/2022 को चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें शासनादेश का पालन नहीं किया गया, क्योंकि शासनादेश में खुले शब्दों में दिए हैं कि 2015 में जो प्रधान पद के में लागू आरक्षण, वही हिसाब से ग्राम सभा में दुकान का चयन किया जाए। यदि अगर कोई रिक्त दुकान हो रही है तो उसमें 2015 के शासन ग्राम प्रधान के पद के शासनादेश के हिसाब से होना चाहिए, जो हमारे ग्राम सभा में 2015 में समान वर्ग की महिला के लिए आरक्षित थी। तो हम ग्रामवासियों की तरफ से यही है कि वहाँ केवल महिला का ही आवेदन मान किया जाए और उन्हीं को चुनाव में वरीयता दी जाए। कोटे में समस्या ये है कि कोटा कैंसिल किया गया, गंगा दीन के कोटेदार से कोटा कैंसिल कराया गया। इसके बाद जो पात्र व्यक्ति थे, मतलब जो उसके लिए अप्लाई किए, उन लोगों में लोग वहाँ पहुँचे मीटिंग हॉल में। जब पहुँचे तो प्रधान ने अपने लोगों को, नाते रिश्तेदारों तक को इकट्ठे अपने घर में वहीं बिठा लिया, पंचायत भवन स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में बिठा लिया, और बाकी लोगों को गेट में ताला लगवा करके अंदर आने की इजाज़त तक नहीं दिलवाई। वहाँ फोर्स लगा था, फोर्स से कोई लड़ नहीं सकता। अच्छा, आप डीएम साहब के पास आए हैं, क्या मांग करने के लिए आए हैं? मांग करने की कोटा ये निरस्त किया जाए। अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? छोटा कछार से। हरदोई के 52 सीएससी में प्रसव को आई एक महिला ने विचित्र बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म पर डॉक्टर परिजन हैरान है। सीएससी अधीक्षक पंकज मिश्रा और पैरामेडिकल स्टाफ ने नवजात के 60% शरीर पर ब्लैकनेस की रिपोर्ट दर्ज की है। घटना की जानकारी पर आरबीएसके के एमओ डॉक्टर इकराम हुसैन ने बच्चे को जेट कैल्जिनिट मिलानोसाइटिक नेवेस नामक बीमारी से ग्रसित बताया है। उन्होंने आरबीएसके के नोडल केंद्र में बच्चे का इलाज कर जल्द बीमारी से रिकवरी करने की जानकारी दी। उक्त बच्चे का जन्म कल रात को 9:22 पर 27 तारीख को हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 52 पर हुआ। बच्चा वैसे तो बाकी स्वस्थ है, लेकिन उसके शरीर पे लगभग 60% हिस्सा ब्लैक है और बिल्कुल स्किन जो है हार्डेंड है, हार्ड है, और बिल्कुल जानवर जैसी चमड़ी होती उस तरीके की है। तो एक्चुअली में ये एक तरीके की बहुत ही रेयर बीमारी है, जिसको हम लोग जाइंट कंजेनाइटल मेलानोसाइटिक नीवस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। नीवस का मतलब है मस्सा। तो ये एक तरीके का ऐसा मस्सा जो कि इतना भारी है, जिसने लगभग 70% शरीर को इन्वॉल्व करके रखा है। वैसे ये बीमारी से शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा एकदम पूर्णतः स्वस्थ है, उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक तरीके की ये त्वचा का डिफेक्ट है, त्वचा का कलर डिफरेंट है, इसलिए देखने में अजीब लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन इससे वैसे बच्चे को कोई जान का खतरा नहीं होता। अबकारी इंस्पेक्टर बेबी चांद के नेतृत्व में नरवल थाना पुलिस और अबकारी विभाग के संयुक्त रूप से पारा गांव में कार्रवाई की गई है। छापा मारकर करीब 400 ग्राम लहन नष्ट की और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। छापामारी के दौरान अबकारी विभाग के एक महिला को गिरफ्तार किया और मौके से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अबकारी इंस्पेक्टर बेबी चांद खान ने बताया कि प्रशासन के दिशा निर्देश पर अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत पारा गांव के संचालित फैक्ट्री पर छापा मारकर लहन नष्ट कर दिया गया है और शराब बनाने में उपयुक्त उपकरण बरामद कर लिए गए हैं।
वृंदावन दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने 100 शैया अस्पताल पर जमकर हंगामा किया और ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों को बंधक बनाकर गाड़ी में बैठाकर अज्ञात जगह ले जाने की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चिकित्सक प्रमोद सिंह ने बताया कि युवक की मौत का कारण बताया गया है, जिसको लेकर सभी चिकित्सा कर्मचारी एकता के तहत एकजुट होकर नारेबाजी की है और आधे घंटे तक कार बहिष्कार कर पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की। मुझे अवगत कराया गया कि कल शाम में जो पेशेंट भर्ती हुआ था वो एक्चुअली ब्रॉड डेड था, तो उसमें कुछ उसमें जो भी लीगल जो कार्रवाई होती है वो यहाँ इमरजेंसी स्टाफ ने की थी, इमरजेंसी डॉक्टर्स ने, और पुलिस इन्फॉर्मेशन गई थी उसमें, तो पोस्टमार्टम के लिए वेट कर रहे थे, तो बाद में इसी को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई और उनके जो अटेंडेंट थे आज सुबह उन्होंने यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में स्टाफ के साथ हाथापाई की और हमारे एक स्टाफ को अपने साथ पकड़ के ले गए वो जो ऑन ड्यूटी था। खबर संभल से है, जहां जमीन की नाप तोल के लिए दिए गए रिश्वत के मामले में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों राजस्व विभाग के कानूनगो को पकड़ा है। वहीं एंटी करप्शन के मामले को संज्ञान में लेते हुए कानूनगो को रिश्वत लेते समय गिरफ्तार कर लिया गया और थाना कोतवाली गुन्नौर में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद अधिकारियों ने लोगों को अपना नंबर बताया और कहा कि किसी भी आमजन को जायज काम की समस्या आती है या रिश्वत की मांग की जानकारी होती है तो अपनी शिकायत नंबर पर करा सकते हैं। आज काफी दिन से मेरा जमीन का वो चल रहा है नाप के नहीं है, तो नाप के लिए एडीएम साहब ने बोला कि आप ठियाबंदी डाल दो, ऐसे आपकी नाप नहीं होगी। हमने ठियाबंदी ऑनलाइन करा दी, ऑनलाइन कराने के बाद एडीएम साहब के पोर्टल पहुंची, फिर तहसीलदार साहब के पोर्टल पहुंची, वो घूम फिर के कानून साहब पर पहुंची। पहुँचने के बाद मैंने कानून साहब से कही, कानून साहब कब डेट लगा रहे हो उसकी ठियाबंदी हमारी कब नाप होगी, तो कहे ऐसी नहीं नापेगी, खर्चा करना पड़ेगा। मैं साहब कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो कहे कच्ची नपो आओगे तो 75,000 रुपये, 5 लंबर है साहब हमारे, 5 लंबर के हिसाब से 15,000 रुपया लंबर, 75,000 रुपये उन्होंने कच्ची के मांगे। मैं कि साहब पक्की ठिया लगा देता हूँ, तो कह साहब 1,25,000 रुपये दोनों कच्ची पक्की के 1,25,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तुम्हें। मैं कि पुलिस को आदेश तुम्हें कराओगे, तो पुलिस की तू या नहीं बनी। 1,25,000 के बाद भी पुलिस कही मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मजबूरी में मैं शिकायत करके मैंने ये आज ये 10,000 रुपये दे करके रंगे हाथ मैंने ये आज पकड़वाए गिन्नौर तहसील पर तैनात थे। रेंदा गांव के राधेश्याम हैं, इनकी माताजी हैं किरण देवी, उनके नाम 5 घाटा संख्या है, उसकी नाप के लिए इन्होंने कई बार एप्लीकेशन थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, तो जब ये कानून को शिव दयाल से जाके मिले तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे 10,000 रुपये दो, उसके बाद मैं बताऊँगा नाप शुरू करूँगा। तो आज ये हमारे पास जो कल आए थे, तो हमारे द्वारा लखनऊ से टीम गठित कराई गई और टीम गठित करने के बाद आज हमने डीएम साहब के यहाँ से 2 विटनेस लिए और विटनेस लेके जब हम आए तो शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपये कानून गो साहब को कुन्नूर तहसील में साइकिल एक्सचेंज के पास दिए, तो हमने उनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शासन के निर्देश पर पॉलिथीन के खिलाफ नगर पालिका ने अभियान चलाकर शहर के सब्जी मंडी के छापेमारी कर दुकानदारों से बड़ी संख्या में पॉलिथीन जब्त की है। छापेमारी के दौरान कुछ व्यापारियों ने नगर पालिका की टीम का विरोध किया और जब्त की गई पॉलिथीन लेकर भागने लगे। घटना की जानकारी पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट शहर कोतवाल के हालात पर काबू पाया और दोनों व्यापारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने बताया कि पॉलिथीन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर रामपुर से, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी रामपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि यदि इन दिनों से ऐसी शिकायत मिल रही थी कि रामपुर में एक ऐसा सेक्स रैकेट चल रहा है जो लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनसे अवैध वसूली करता है और लोगों को सेक्स का झांसा देकर अपने कमरे में बुलाते हैं और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उसे अवैध तरीके से पैसा वसूलते हैं। इसकी शिकायत रामपुर एसपी को मिली तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया और रामपुर सिटी सीओ सिटी अर्जुन चौधरी के नेतृत्व में मौके पर छापा मारकर सेक्स रॉकेट का भंडाफोड़ किया। रामपुर में ये शिकायत लगातार मिल रही थी, कई लोगों ने वीडियो भी डाला हुआ है कि एक हमारे यहाँ गैंग चल रहा था लड़कियों का, जो आपको बुलाता है, सेक्स का आमंत्रण देता है, आपको बुलाता है, फिर वो मतलब अनैतिक सेक्स का पैसा लेता है आपसे,
उसके बाद फिर उसके गुंडे होते हैं दो चार छः, वो चले आते हैं डंडा लेके आपका वीडियो बना के आपकी पिटाई भी करते हैं, फिर आपसे ब्लैकमेल करते हैं, ये खाता नंबर पैसा ट्रांसफ़र करो, ये करो वो करो, ये चल रहा था। रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने लालगंज कस्बे के स्थित पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया है। कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आश्वासन दिया और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने सीओ ऑफिस कार्यालय में वृक्षारोपण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, एसडीएम अजीत प्रताप सिंह, तहसीलदार ज्ञान प्रकाश सिंह समेत पुलिस बल उपस्थित था। जो मेन उसका चौराहा है जी, वहाँ पे एक पुलिस पिकेट के लिए उन्होंने एक बूथ बनवाया है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल बूथ बनाया गया और ऐसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। आज मेरे द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है और बाकी आप सब पत्रकार बंधुओं के साथ यहाँ पे जलपान लिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।